पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने सहित कुल 4 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने शनिवार को जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय परिसर में धरना दिया। इस दौरान संघ के सदस्यों ने जमकर नारेबाजियां भी की। धरने के दौरान संघ के सदस्यों ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षण के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित किया। धरने के दौरान संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजय नाथ पांडे, कोषाध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला, जिला मंत्री रविंद्र प्रताप चंद्र सहित संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजय नाथ पांडे ने कहा, पुरानी पेंशन बहाल करो, शिक्षक एक का जिंदाबाद, पानी हो पूरी हो, हमारी मांग पूरी हो, पूरी हो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एक का जिंदाबाद, शिक्षक एक का जिंदाबाद। ये 4 सूत्रीय मांग पत्र है प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पे। पुरानी पेंशन योजना से समस्त शिक्षकों कर्मचारियों को आच्छादित करना। दूसरी मांग हम लोगों को है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देना, जो कि राज्य कर्मचारियों को दिया गया है। तीसरी मांग हम लोगों को है कि जो अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो हमारे साथ शिक्षक पढ़ाते हैं और वो वित्तविहीन की दशा में जीवन यापन करते हैं, उनको समान कार्य और समान वेतन के आधार पर मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको हमारे समकक्ष घोषित किया जाए। और चौथा, जो सेवानिवृत्त शिक्षक साथियों के पेंशन पुनरीक्षण में धांधली की जा रही है, जो विलंब किया जा रहा है, उसको यथाशीघ्र पेंशन पुनरीक्षण को निर्धारित कराना। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पे प्रदेश के हर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालयों पर यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर अगली जो हम लोगों के आंदोलन की रणनीति बनी है वो प्राथमिक शिक्षक संघ, कर्मचारी शिक्षक संघ, कर्मचारी संगठन और माध्यमिक शिक्षक संघ, सारे शिक्षक कर्मचारी 20 अगस्त को लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में एक विशाल रैली करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा और हम शिक्षकों और कर्मचारियों की जीत होने वाली है।